प्रीव्यू। देखिए, मैंने वंचित बहुजन आघाड़ी में आज जो प्रवेश किया है, मैं सिर्फ प्रकाश अंबेडकर साहब का काम देख रहा हूँ पूरे देश के अंदर। जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो काम कर रहे हैं, और मुसलमानों के हक में नहीं, प्रकाश अंबेडकर साहब एक ऐसे नेता है देश के अंदर जो सारे समाज के लोग इस वंचित बहुजन आघाड़ी में काम कर रहे हैं। मैं 6 महीने से देख रहा हूँ कि मेरे को कौन सी पार्टी में काम करना है, और प्रकाश अंबेडकर साहब के जो मैंने काम देखा है मुसलमानों के हक में, हिंदू के हक में, दलित के हक में, तो मैंने कोई अगर नेता देखा है तो प्रकाश अंबेडकर साहब है। आज अभी हाल ही में हमारे साथ जो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की बात मैंने इससे पहले भी अंदर किया है, प्रकाश अंबेडकर साहब ने हमारा दिल वहां जीते हैं जहां उन्होंने फिरका परस लोगों ने जो बताए थे कि ये औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जो मजार है यहां से निकालो, आज हमारा वहां पे विश्वास, हमारी भावनाओं को ठेस पहुंची है। ऐसी पार्टी और ऐसे नेता को हम बिल्कुल गिनते नहीं और मानते नहीं। जो पार्टी के अंदर काम कर रहे और वो हमारी सेफ्टी नहीं कर सकती, तो वो पार्टी खुद की सेफ्टी नहीं करती तो हमारी क्या करेगी। इसलिए हमने पार्टी को आज इस्तीफा दिया है, आज हमने वो पार्टी से संन्यास लिया है। और प्रकाश अंबेडकर साहब कर रहे हैं, आप उनका नाम ले सकते हैं? नहीं, मैं एनसीपी की बात कर रहा हूँ। अच्छा। और एनसीपी के अलावा भी जो फिरका परक जो पार्टियां है, वो पार्टियों से मैं देख रहा हूँ कि उनके पास में सिवाय एक कमर्शियल मामला है, और कमर्शियल मुसलमान और दलित एक दो समाज एक ऐसी है देश के अंदर। इंशाल्लाह ताला हम एक जगह आके पूरा काम करेंगे और प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथ मजबूत करेंगे। इतने साल से आप एनसीपी में थे, तब आपको ये सालों में ये चीज क्यों नहीं दिखी, आज ही क्यों महसूस हुई? हो ही रहा ना, जब हाल ही में 3 साल से तो हम बहुत परेशान है ये हाल में कि मुसलमानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दलित के साथ भी खिलवाड़, दलित लोगों के साथ भी, दलित समाज के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। क्या आप देखते नहीं कि आप चैनल वाले क्या हालत चल रही है आज हमारे दो समाज की? अभी जैसा बताया गया है कि भाई यहाँ पे सब समाज के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। भाई जिला अध्यक्ष कौन से समाज से ताल्लुक रखते हैं? क्या सेकुलरिज्म की बात करते हो तुम? सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो वो सेकुलर पार्टी, वो बहुजन वंचित आघाड़ी है। अभी आप आगे इस पे क्या काम करेंगे? और जैसा आप अभी अंदर आपके भाषण में बोले, औरंगाबाद नामांतरण को लेकर जब भी मामला चला था तभी भी आप एनसीपी में ही थे और एनसीपी ने सपोर्ट की थी उस नाम को बदलने के। देखिए, मैंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष साहब से बात भी किया था कि साहब आप प्रदेश अध्यक्ष है, और उस टाइम उद्धव जी मुख्यमंत्री थे और महा विकास आघाड़ी की सरकार थी जिसमें एक राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस, लेकिन इन्होंने औरंगाबाद के नाम से कोई सपोर्ट नहीं किया था। इसलिए हमने जब देखा वॉकआउट अपने मंत्रिमंडल के अंदर कि भाई हमने जो मंत्रियों को देखे हैं कि भाई राष्ट्रवादी के मंत्री और शिवसेना के मंत्री है, उन्होंने औरंगाबाद के नाम के बारे में जो है तो कोई हमको सपोर्ट नहीं किया। हमने उनसे पूछा प्रदेश अध्यक्ष कि साहब तुम प्रदेश अध्यक्ष है और शहर का नाम डूब रहा, फिर अपनी पार्टी में हमने काम करके कैसे रहना चाहिए? तो बोले नहीं, बोले वो आप अपनी महा विकास आघाड़ी है मिलकर सरकार बना रहे, वो मिलकर सरकार बना, लेकिन हमारा हमारी शनाख्त को जो है तो मिटाने की कोशिश जो करा जा रही है, जो फिरका परक जो पार्टी बोलूंगा मैं आज, जो भी पार्टियों के नाम है, मेरी नजर में ये है कि एक ही पार्टी सही है, वो वंचित बहुजन आघाड़ी। मैं बहुत स्टडी करके 1 साल से यहाँ पार्टी में आया, और हमारे औरंगाबाद शहर के हमारे हमारे नगर सेवक और औरंगाबाद शहर के वंचित बहुजन आघाड़ी के हमारे नेता मेरे बड़े भाई कृष्णा भाव ने जो है मेरे को आश्वासन दिए कि सलीम तू काम कर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारे फारूक अहमद साहब, हमारे वक्ता महाराष्ट्र के, उन्होंने मेरे को कल फोन किया कि तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होंगी, आप ऊपर वाले का नाम लेके आओ, अपना नेता बहुत स्ट्रांग है शहर के, पूरे देश के, शहर के नहीं पूरे देश के अंदर, और देश उसके झंडे के नीचे अपने को काम करना पड़ेगा, तुम सिर्फ आके देखो। तो मेरे साथ आज 150-200 लोगों ने आज प्रवेश किया, और कृष्णा भाव के बोलने पे मैं पार्टी के अंदर आया आज। सलीम भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सलीम भाई